नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का 7 मिनट चैनल के अंदर। मैं आपका एजुकेटर पंकज रोड़ा। आप लोग एप्लीकेशन पर, अनअकैडमिक एप्लीकेशन पर मुझे पंकज कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं वहां पर आपको पंकज कुमार के नाम से आपको मिलूंगा। मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है PNKJ10, उसका इस्तेमाल करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे सार्क कंट्रीज के बारे में। छोटा सा पहले परिचय देख लेते हैं कि सार्क कंट्रीज होती क्या है। सार्क की जो फुल फॉर्म अगर हिंदी में बोले जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि क्या हो गया सार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ में की गई थी। वैसे क्षेत्रीय सहयोग का जो विचार है ये सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया, जहां पर 7 संस्थापक देश थे इसके, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। विदेश सचिवों के परामर्श के बाद में इसकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। कितने देश थे? 7, लेकिन वर्तमान में हो गए 8, यानी कि अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बन गया था। इस संगठन का जो मुख्यालय है या सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य। देखिएगा, एक तो सदस्य जो सार्क के अंदर सम्मिलित है। पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है, हम बात करें जैसे कि हम बच्चे और हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स पर्यवेक्षक कहलाते हैं। तो जो बड़ी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको सम्मिलित नहीं किया गया, ये पर्यवेक्षक कंट्री है। इनको आपको याद नहीं करें, ये पूछा नहीं जाएगा, सदस्य देशों के बारे में पूछा जाएगा। चलो तो सार्क के बारे में और छोटा सा, इसका उद्देश्य क्या है। दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, जो भी इसमें सब सम्मिलित है उनके लिए। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना व उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं को मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, यानी कुल मिला के बात यह कि एक दूसरे देश का किसी ना किसी भी क्षेत्र के अंदर सहयोग करना, ये सार्क का, जैसे कि मैंने एशियान में आप लोगों को बताया था, जिसमें भारत सदस्य देश नहीं था लेकिन सार्क में है। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना और समान हितों के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के साथ सामान्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ में सहयोग करना। अगर बात करें भारत के लिए क्या महत्व है, देखो भारत इसमें तो पहले पड़ोसी देश के समर्पित पड़ोसियों की प्रमुखता, पहला पड़ोसी यानी कि इसके साथ साथ में पड़ोसी देश है। भू रणनीतिक महत्व यह है कि यह विकास प्रक्रिया आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीप, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। चीन क्या कर रहा है, दूसरे देशों के साथ में सहयोग बढ़ा रहा है, तो भारत अन्य जो अपने पड़ोसी देश इनके साथ में सहयोगी यानी व्यापार करके और किसको जवाब दे सकता है, चीन को। क्षेत्रीय स्थिरता, सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास, शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। वैश्विक नेतृत्व की बात करें तो भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान कर सकता है, यानी कि ये कह सकते हैं कक्षा के अंदर विद्यार्थी और उसका मॉनिटर बनकर के। क्लियर? यस। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए गेम चेंजर, यानी कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ में लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण में समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। ये भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण। अगर हम दोस्तों इसके सदस्य देशों की बात करें तो एक छोटी सी इसमें ट्रिक है, वो है सार्क सदस्यों ने काठमांडू जाकर PNB से बीमा करवाया। क्या कहा कि सार्क समूह के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पंजाब नेशनल बैंक से बीमा करवाया। काठमांडू यानी काठमांडू इसका क्या हो गया, मुख्यालय निकल के आ गया, मुख्यालय जो कहां स्थित है, नेपाल में। ट्रिक हमने निकाली पंजाब नेशनल बैंक से बीमा करवाया, ट्रिक आ गई PNB से बीमा। क्या हुआ, PNB से बीमा, यह ट्रिक आ गई PNB से बीमा। पी पाकिस्तान आ जाता है, एन नेपाल, बी भूटान, एस श्रीलंका, बी बांग्लादेश, आई से इंडिया यानी कि भारत, एम मालदीप, ए से अफगानिस्तान। PNB से बीमा करवाया, क्या कहलाएगा, PNB से बीमा करवाया। पी पाकिस्तान, एन नेपाल, बी भूटान, एस श्रीलंका। क्लियर बात में, क्लियर? यस। फिर बी आ गया तो बी से क्या कहलाएगा, बांग्लादेश। ये ई यहां से हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। यस, से उसके लिए ई साइलेंट है यहां पर, ठीक है ना। तो ये 3 अक्षर और ये यहां पे आगे 4, ये 4 8 हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 8। पी पाकिस्तान, एन नेपाल, बी भूटान,
श्रीलंका, फिर बी से बांग्लादेश, दो बी आने नानकड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, आई इंडिया यानी कि भारत, एम से बात करेंगे तो मालदीव, म्यांमार नहीं होगा, मालदीप होगा, क्लियर, और एफ से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये सारे के सारे जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के क्या है, पड़ोसी देश, और ये सब किसके सदस्य हैं, सार्क के सदस्य देश हैं। काठमांडू की बात की तो काठमांडू इसका क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। तो ट्रिक क्या हुई, पीएनबी से बीमा करवाया, यानी कि सार्क देशों के सदस्यों ने काठमांडू पीएनबी से बीमा करवाया। हमने इसमें कहा कि टोटल कितने देश हो गए हैं, 8, तो इन 8 देशों को आई होप ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, पीएनबी से बीमा। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, ध्यान रखिएगा, जीके में अगर आपको महारत हासिल करनी हो, कोई भी टीचर से आपको पढ़ना हो, तो आपको कोड इस्तेमाल करना है PNKJ10, यानी कि अन अकेडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन, फॉर ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऑल एग्जाम टू गेट 10% डिस्काउंट, यूज कोड करना है PNKJ10। आगे बात समझ में, चले, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आती है पीएनबी से बीमा, तो प्लीज आप इसको लाइक करना ना भूलना, और साथ ही साथ में एक चीज और, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। ये हमारा प्यारा सा बेहतरीन चैनल है जहां पर हर रोज आपके लिए ट्रिक लेकर के आते हैं हम, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, हर रोज। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिले तो वो आपको दिख जाए। साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, जबरदस्त रहें।